हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी स्टूडियो फिटनेस। अगर आपको मेरा कंटेंट सही लगता है या चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करो, अगर आपको भी अच्छा लगता है कि आगे यार कुछ बनाए पब्लिक के लिए डिलीवर करें, यार सपोर्ट एक मिलता है, एक मोरल सपोर्ट मिलता है। वीडियो में भी ये स्टिक आपको नजर आएगी, मैं कुछ कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज मैं लिम्पिंग के बारे में रिवील कर रहा हूँ कि व्हाट इज लिम्पिंग, स्क्वैट्स कैसे करना है, साइड वॉक्स क्या होती है, प्रॉपर तरीके से वॉक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। यार काफ़ी लोगों की कंप्लेंट होती है कि हमको स्क्वैट करना है तो स्क्वैट में हमको डर लगता है, वाइल वॉकिंग हमारे पैर में लिम्पिंग होती है। ओके, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि स्क्वैट्स किस तरीके से प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना है और स्क्वैट में यार नेक्स्ट लेवल हमको कैसे लेके जाना है। There are different kind of squats. एक normal squat होता है और एक sumo squat होता है। ये sumo squat और normal squat मारना है हमको, लेकिन squat जो first time try कर रहा है उसको कैसे करना है, let me show you। हम लोगों के पास पहले से walker था ये, okay? अब हम अपने squat में हम क्या करेंगे, हम ये walker की help लेंगे और squat करेंगे। squat करने के लिए क्या है, अब जैसे है ना कि मेरे पास एक ये pillar है, ठीक है? आप लोग क्या करोगे, in general एक दीवाल देखेगा, जो वॉल होती है ना, वॉल को देखिए ना, वॉल को देखिए। आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो तुम लोगों को थोड़ा यार डर लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे वॉकर सामने रख लो, ये जो पिलर है पिलर के बराबर ऐसे लगा, यानी कि वॉल के साथ ऐसे लगा। अब ये चीज देखो, ये है, ये एकदम 90 डिग्रीज का एंगल आना चाहिए। ओके, 90 डिग्री एंगल में जितनी देर कर सकते हो करो, जैसे यानी कि आपका बैलेंस लूज होता है तो आपको क्या करना है, इसका सपोर्ट लेना है, बस खड़े हो जाना है, वॉकर का सपोर्ट लेना ही लेना है। अब ये हो गया, ये होने के बाद में हम क्या करेंगे, जनरल स्क्वाट्स हम मारेंगे। जनरल स्क्वाट्स कैसी होती है, हमेशा याद रखना, कभी भी स्क्वाट मारो तो हाफ स्क्वाट मारना जरूरी होता है, बिकॉज इट्स गोना हेल्प योर हैमस्ट्रिंग्स, योर ग्लूट्स, इन चीज़ों को काफ़ी हेल्प करेगी। ओके, तो आपकी ये शोल्डर्स है, शोल्डर्स के बराबर पैर रखना है, यू हाफ स्क्वाट। ओके, मैं साइड से दिखाता हूँ तो आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल, हाफ स्क्वाट। ओके, हाफ मारना है, ये हमको 15-15 का एक रेप मारना है, और कम से कम यानी कि एक सेट में आपको 4 बार मारना ही मारना है, तो हो गया ओवरऑल 60। दिन में 2 बार यानी कि 15 के अगर 2 भी कर लोगे, सो मॉर्निंग 30, इवनिंग 30, दैट्स मोर एंड इनफ। अब हमारा स्क्वाट होगा, स्क्वाट नंबर 2 होगा, वो है सुमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट क्या करते हैं, उसमें लेग्स को काफ़ी वाइड रखते हैं और ये जो टोज है ना, फीट है ना, आपको क्रॉस रखते हैं। ओके, लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड सुमो स्क्वाट। ओके, ये सुमो स्क्वाट होगा। ओके, सुमो स्क्वाट मारना ही मारना है, जिसमें आपके ग्लूट्स काफी ज्यादा, तुम्हारे ग्लूट्स में स्ट्रेन आएगा इस पर। और देखो, कभी भी स्क्वाट मारते वक्त मिस्टेक्स नहीं करना है हमको, क्या हम इन जनरल हम क्या मिस्टेक करते हैं, बॉडी का पोर्शन कोई सामने ऐसे लेके आता है, साइड से दिखा, कोई जब यानी कि स्क्वाट मारते हैं तो कोई ऐसे 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 रख, बॉडी को एकदम स्ट्रेट, व्हाइल डूइंग स्क्वाट बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, यहाँ से आप वॉक करेंगे आपको, ठीक है? साइड से मैं बता रहा हूँ, इसमें पैर वाइड रखना होता है, सुमो स्क्वाट काफी हेल्प करेगा आप लोगों को। ओके, ये यानी कि आपको सुमो स्क्वाट्स भी यानी कि 15-15 का सेट, दिन में 2 सेट मार लो, यानी कि 15-15 रिपीटेशन के 2 सेट, शाम को 2 सेट, 30-30-60, मोर देन इनफ। ओके, फिर उसके बाद में क्या होता है, यानी कि रेजिस्टेंस बैंड्स खरीदने के लिए पूछते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यार कि ये अगर आप लोग रेगुलर जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तभी खरीदो ये चीज़ें। अदरवाइज यार आपके पास साइकिल का ट्यूब हो ना, साइकिल के ट्यूब से भी बन जाएगा, काम चलाओ, क्योंकि इतनी ज़्यादा दिन की जरूरत होती नहीं है, मैक्स ऑफ मैक्स 30 डेज के एक्सरसाइज के बाद में उनका कोई यूज नहीं होगा। सो साइकिल के ट्यूब से बना लेना, देयर इज नो नीड टू बाय एनी ब्रांडेड रेसिस्टेंट बैंड,
इन सारी चीजों में पैसे वेस्ट मत करके डाइट पे अच्छी अच्छे पैसे इन्वेस्ट करो। लॉक कर लिया आपने, ठीक है। अब साइड वॉक कैसे होती है? इन जनरल हम लोग साइड वॉक या करते हैं, ठीक है। साइड वॉक दोनों से, साइड वॉक करने से क्या होता है, ये जो होता है यहाँ, ये जो इंटरनल यहाँ की जो मसल होती है, ये मसल में आपको काफ़ी खिंचाव स्ट्रेस महसूस होता है। तो आपको साइड वॉक ऐसे करनी है, जितनी देर कर सकते हो साइड वॉक, साइड वॉक करना है, बैक वॉक भी ऐसे ही करनी है। उसी को मेरा आई यूज टू डू हर टाइम। ये अगर इस चीज को लगा के आप चलोगे तो आपकी लिम्पिंग, जो काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि हमको लिम्पिंग हो, तो स्टार्टिंग में हमको वॉक करते वक्त ऐसे रोबोटिक वॉक करेंगे हम, ठीक है। प्रेशर स्ट्रेस गिरेगा इसकी वजह से, ये रेसिस्टेंट बैंड की वजह से आपके पैरों में स्ट्रेस आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्या होता है, मैं साइड से दिखा रहा हूँ, ये मेरा इंज्योर्ड लेग है, ठीक है, ये मेरा अच्छा लेग है। मैं क्या करूँगा, ऐसे करके 90 degree angle, अरे यू एबल टू सी 90 degree angle, 90 degree angle में रखना है और पहले स्टार्टिंग में 10 सेकंड से स्टार्ट करना है, खत्म, ठीक है। ये हो गया, उसके होने के बाद नॉर्मल पोजिशन में आ जाओ, ये हो गया। अब काफ रेसिंग एक्सरसाइज काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती है कि काफ रेसिंग एक्सरसाइज क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होती है। तो स्टार्टिंग में आप काफ रेसिंग करोगे तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज अभी हम लोग बिगिनर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, काफ रेसिंग जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो साइड मेरी काफ, यानी कि मैं अपने पूरे फिंगर टोज पे आ गया हूँ, ओके। आप लोग नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में, तो आप क्या करोगे, एज यूजुअल अपना वॉकर, अपना दोस्त जो इतने दिन अपने साथ था, उसको पास में रख लेना, काफ रे ऐसे रेज करो फिंगर के टोज पे आप, ओके। जब दोनों पैर से आप कंफर्टेबल हो के कर लोगे ना, फिर आपको आना है सिंगल लेग काफ रेसिंग एक्सरसाइज। दिस इज गोना बी ए डिफिकल्ट वॉक एंड डिफिकल्ट वॉक। ये आप तभी करना जब आप दोनों पैरों से परफेक्ट तरीके से, यानी कि यार काफ रेसिंग कर सको, ओके, तभी यानी कि सिंगल लेग पे जाए, नॉट इन ए हरी, नॉट इन ए बरी। अगर हरी करोगे तो दफन हो जाओ, समझ गए। जल्दी का काम होता है शैतान, हमको जल्दबाजी नहीं करनी है वाइल डूइंग एक्सरसाइज। आज मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है तो लोगों को दूर होती है। सो जो एक्सरसाइजेस हमें पता, सिंपल, जब सिंगल लेग करोगे स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, ऐसे कोई चीज का सपोर्ट ले लो, रेस 10 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन मैं तो फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग आराम से करो, फिर आराम से रिलैक्स। दिस इज सिंगल लेग और सिंगल लेग बैलेंस। दिस इज माय इंजर्ड लेग, मैं इंजर्ड लेग पे बैलेंस कर रहा हूँ, आप लोगों को भी इंजर्ड लेग पे बैलेंस करना है। फिर भाई एक ही पैर को ट्रेन नहीं करना है, दूसरे पैर को भी ट्रेन करना है, ये तो अच्छा वाला पैर बुरा बन जाएगा। सो बुरा किसी को नहीं बनाना है, ये सिंगल लेग मैं आपको बैलेंसिंग बोलता हूँ, सिंगल लेग बैलेंस, दीज आर द क्वाइट इम्पोर्टेंट। और कभी भी देखो जब करो ना, जैसा मेरा ये इंजोर है तो इसके साथ मैं ऐसे खेलते रहूँ अच्छे इंजोर, तो क्या होता है बैलेंसिंग में थोड़ा जल्दी ही आ जाएगा। अभी तक जितनी एक्सरसाइजेस हमने सीखी हैं, अब यार लिम्पिंग के बारे में भी हम कुछ सीखते हैं, ओके। लिम्पिंग के लिए हमको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों की कंप्लेंट होती है कि हमारी लिम्पिंग नहीं जाएगी। लिम्पिंग जाएगी भी कैसे, जब तक यानी कि आपके पैर में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ठीक है। आपके पैर में स्ट्रेंथ लाना है और आपके पैरों में मूवमेंट्स, यानी कि हर मूवमेंट्स आने चाहिए। मूवमेंट्स कैसे आते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, मैं क्रिकेट प्रैक्टिस करता हूँ, बैटिंग प्रैक्टिस करता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू फ्यू थिंग्स, ठीक है। अब जैसे इसको समझ लो, ये मेरा बैट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बैटिंग पोजीशंस लेता हूँ। जैसे इन जनरल एक क्रिकेट में हम लोग बैटिंग पोजीशन लेते हैं, मैंने अपना पूरा बैटिंग का फुटवर्क ले लिया, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये ड्राइव, ठीक है। और फ्रंट फुट आके खेलना है मुझे, ये मेरा इंजर्ड लेग है। इंजर्ड लेग से मैं क्या करूँगा, जैसे बहुत सारे लोग यू करेंगे, लेकिन मैं आज की तारीख में एक नॉर्मल प्लेयर की तरह फ्रंट फुट आके खेल रहा हूँ। ये कैसे हुआ पॉसिबल, ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, आई एम गोना शो यू वॉक, दिस इज माय फेवरेट स्टिक, ठीक है। बिफोर फ्रैक्चर ये मेरे पास थी एक सैंड बैग, काफी वीडियोस में दिखाया जाता है कि सैंड बैग का यूज होता है, ठीक है, आपके पैरों को स्ट्रेंथ देने के लिए। तो यार ये सैंड बैग खरीदने की हमको जरूरत है नहीं, क्योंकि यार ये फ्री का माल होता है। फ्री का माल इन द सेंस, अपने घर के पास कोई मट्टी है, मट्टी ले लो, या फिर 1 kg का कोई भी एक पत्थर ले लो, वो पत्थर एक पोटली बना लो ऐसे, ठीक है, वो पोटली बना के, क्योंकि ये चीजें यूज नहीं आएंगी फ्यूचर में आपको, तो यार इसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करना स्टुपिडिटी है। सो देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट ऑन सैंड बैग्स, जैसे यानी कि मैंने वो बैंड बताया था, ठीक है, ऐसी चीजों पर पैसे इन्वेस्ट मत करो। इससे अच्छा है कि आप अपनी डाइट पे इन्वेस्ट करो, ओके। तो ये एक ऐसा सैंड बैग मैंने बनाया था। भाई इंडियंस हैं तो थोड़े जुगाड़ी होते हैं और वॉक भी करते हैं सैंड बैग पे, तो आपको क्या पता है क्या होगा कि यार थोड़ा ज़्यादा यानी कि वजन गिरेगा इस पैर पे, वेट गिरेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट हेल्प करेगा ये वेट, ये करना चाहिए। ये चीज हो गई ना, ये सैंड बैग से हमको यही होता है, सैंड बैग का और कोई एक्सरसाइज नहीं है एक्चुअली, या फिर वॉकिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज सैंड बैग का कोई यूज नहीं है, सिर्फ ये एक एक्सरसाइज के सिवा, ओके। तो इसके लिए आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। ये हो गया आपका सैंड बैग, ये लिंपिंग के लिए लेकिन काफी हेल्पफुल होगी। लिंपिंग लिंपिंग के लिए एक और एक एक्सरसाइज है, I'm gonna share with you guys। अब जैसे काफ़ी लोग चलते हैं ना, तो आप फुटवर्क पे ध्यान दो कि लोग वॉक में यानी कि मिस्टेक करते हैं। जैसे मेरा वॉक है नॉर्मल, जैसे पहले वॉक हुआ, ठीक है, मेरे पैर यानी कि दोनों एकदम स्ट्रेट पोजिशन में आते हैं। काफ़ी लोग पता है कैसे चलते हैं, अभी छोड़ ये, दिस इज वॉक, ये वॉक, ये ठीक है, पैर वाइड क्यों जा रहा है, बाहर क्यों आ रहा है, ओके, ऐसे नहीं चलना है, ठीक है, ये नहीं है वॉकिंग पोजिशन, ये नहीं है। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रॉपर नॉर्मलाइज वॉक करनी है, ओके। नॉर्मलाइज वॉक क्या है, ये नॉर्मलाइज वॉक, दिस इज माई नॉर्मल वॉक, ये मेरी नॉर्मल वॉक, आर यू एबल टू सी, ये मेरी नॉर्मल वॉक, ओके। ये नॉर्मल वॉक ही आपको लानी है, क्योंकि लाइफ नॉर्मल तभी होगी जब आप ये सारी चीजें कर पाओगे, अदरवाइज इतना इजी नहीं होगा। जैसे आप लोग ये चल रहे हो, काफी लोगों को मैंने देखा है, दे वॉक लाइक अ रोबोट, ये भाई ये वॉक नहीं है, आपको लग रहा है कि आपको लिंपिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, लेकिन दिस इज नॉट द वॉक। वॉक में क्या होता है कि आपकी नी बेंड होती है, वॉक में नी बेंडिंग करनी जरूरी होती है। जैसे देखिए मैं नी बेंड कर रहा हूँ, दिस इज माई नी बेंडिंग, ठीक है, मैं नी बेंड कर रहा हूँ वॉक करते हैं। स्टिफनेस नहीं रखना है, पैर को स्टिफ करके नहीं चलना है, क्योंकि यू आर चीटिंग योर सेल्फ, ऐसे करके काफी लोग ऐसे करते हैं। वो लोग बताते हैं कि हमारा लिंपिंग नहीं है, लेकिन यार लिंपिंग होगा भी कैसे, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग ए प्रॉपर वॉक, पैर को स्टिफ करके चल रहे हो एकदम स्ट्रेट लगा के, ठीक है, बस चल रहे हो, चलना नहीं है क्योंकि आपको दौड़ना है। दौड़ने के लिए अभी से आप प्रैक्टिस करोगे ना नी बेंडिंग वाली वॉक, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी, चाहे भले 2 दिन लेट चलो, लेकिन प्रॉपर तरीके से चलो। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट यू गाइस, बेंडिंग के लिए ये एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है।
ये एक्सरसाइज ये मान के चलो आप कि अगर ये आप करोगे ना तो आपकी 90% ब्रीथिंग खत्म हो। तो क्या करना है आपको, स्ट्रेट आराम से चेयर में रिलैक्स होकर बैठ जाओ, एक ऐसा रेसिस्टेंट बैंड ले लो, ये एक चीज खरीदो क्योंकि ये यार काम आएगी आपको। और पैर जब जाता है ना अंदर की तरफ भी बेंट होना चाहिए, बहुत अच्छे से बेंट होना चाहिए, ओके फिर स्ट्रेट ओके ऐसे सीधे रखना है, होल्ड करो इतनी देर के लिए, 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, फिर धीरे से नीचे लाना है, एकदम झटके से नहीं ना पाए, धीरे से कितने धीरे से लेके आना और मैं पूरा अंदर तक ले जा रहा हूँ जितना हो सकता है ना उतना। ये एक्सरसाइज यार अगर आप करोगे ना तो आप गिविंग यू 100% एश्योरिटी कि आपकी लिम्पिंग 100% खत्म हो जाएगी।